I think everyone have to see not to throw rubbish away, especially right. Not in a river. Okay. So it must be a changing in your mind. Okay, he has told it is the responsibility of everyone, not only a government. What a wonderful. इनका कहना है कि तमाम जो भी लोग हैं ये सबके जिम्मेदारी बनती है कि आप तमाम लोग सफाई रखें. एकमात्र सिर्फ ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ सरकार सिर्फ सबको इसको और ध्यान देना चाहिए. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर इंटरव्यू. थैंक यू वेरी मच. और आप चलते हैं अपने जस्ट बाईं तरफ, आप देख सकते हैं दो यहाँ पर एक गंगा भागीरथी की नदी है और आप देखेंगे मेरे बाईं साइड में बिल्कुल दो नदी. ये जो गंगा भागीरथी है दो फाड़ में यानी दो रूप में बह रही है. और जहाँ तक मैं इलेक्शन की बात करूँ, इस इलेक्शन के बारे में बात करूँ, दो रूप में बह रही है. ये हमारी जो नेशनल पार्टी है, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस, दोनों ने बहुत सारे कमिटमेंट किए हैं, पार्टियों ने बहुत सारे दावे पेश किए गए हैं और आज हम भी अपने सर्वे पर निकले हुए हैं. आप देख सकते हैं लगभग जहाँ तक मैं इलेक्शन की बात करूँ दोनों पार्टी बिल्कुल एकदम लगभग बैलेंस के रूप में चल रही है. देखते हैं जिस तरफ पानी का रुख बदलता है, ये तो कल शाम ही पता चलेगा और 20 तारीख को पता लगेगा. बीचों बीच में जहाँ तक बात करूँ, एक ज्ञानसु का रवाड़ा यानी ज्ञानसु का जो गदरा है, आज आदरणीय भूपिंदर सिंह चौहान भूतपूर्व अध्यक्ष नगर पालिका रहे हैं, वो भी बीचों बीच बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच. ऐसा भी हो सकता है कब रवाड़ा आ सकता है, कब गदेरा आ सकता है, कुछ नहीं बोला जा सकता, वो भी अपने आप में. और अदर साइड में मैं देखता हूँ महेश पंवार एक दूसरे हैं, वो भी बहुत ही हार्ड हिटर बैट्समैन है, किसी भी तरह रुख रख सकते हैं. और यदि मैं अदर साइड में खड़ा देखूँ तो वहाँ पर एक और मिलते हैं कुलदीप बिस्ट, अपने आप में यूथ ब्रिगेड के साथ खड़े हैं. और क्या होगा इस इलेक्शन का परिणाम, ये तो 20 तारीख को ही पता लगेगा. लेकिन कुल मिला के कहना ये है कि जो भी हमारा अध्यक्ष बनता है, उम्मीद करेंगे अभी अभी हमने शूट किया था रामलीला मैदान, ये रामलीला मैदान क्लीन होगा. ये जोशियाड़ा का जो रोड बिल्कुल नैर स्ट्रीट में बिल्कुल इंक्रोचमेंट कर दिया गया, यहाँ पर कुछ ऐसा समाधान निकलेगा कि रोडों लोगों की दिक्कत कम हो. शाम के टाइम यहाँ पर एक शराब, जहाँ पर एक बियर बार है, एक शराब खाना आप देख सकते हैं, जहाँ पर वाइन का शॉप है, शाम को इतना जाम लगा रहता है कि आम बंदा वहाँ से पार नहीं कर सकता. देखते हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष बनने वाला है किस तरीके से इससे निपटते हैं. और बिल्कुल बिल्कुल हमारे कैंडिडेट कुछ भी हो सकता है, ये तो काफ़ी बैलेंस में है. हालांकि दो दिन की बात करें तो बीजेपी काफ़ी काम किया है बाजार में, और जहां तक मैं नेशनल पार्टी की बात करूं, दोनों पार्टी को बिल्कुल बैलेंस है. उनको सिर्फ अपने खेमे को टाइट करना चाहिए और यदि वो जरा भी अपने बार बार वोटर को तंग करते हैं, दो इंच भी यदि नेशनल पार्टी बढ़ती है तो जो निर्दलीय उम्मीदवार है हमारे वो शायद 20 इंच ही बढ़ जाएंगे. इसलिए उनको चाहिए कि अपने खेमे को टाइट करें. इसी के साथ देख सकते हैं जो भी नगर अध्यक्ष बनने वाला है, बहुत सारी यहाँ पर समस्याएं हैं, वो शायद निपटेंगे. सभी ने अपने वादे किए हैं और जो अभी हम आज शूट कर रहे हैं, सोचते हैं कि शायद ये सब समस्याओं का समाधान होगा. महेश बहुगुणा और ABCLM न्यूज ग्रुप एज वेल एज दैनिक सचखंड न्यूज के लिए फ्रॉम उत्तरकाशी से डायरेक्ट गंगोत्री विधानसभा से मनीषा रावत एंड परवेश VP द कैमरामैन. थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग मी ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच टू सपोर्ट फॉर